देख बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है बेटा कि मान ले एक्स कोई न्यूक्लियस था, ये टूट करके बना बेटा वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स टूट करके बना बेटा वाई प्लस जेड, ये था हमारा एटॉमिक मास नंबर, ये था बेटा एटॉमिक मास नंबर, ये है 180, ये है बच्चा 160 और N20। ठीक है, और ये है बच्चा 60। ठीक है, और देखो बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये था बच्चा हमारा 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था बच्चा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है चेक चेक वेदर वेदर द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चा, ये चेक करना है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है बच्चा, बी पार्ट फाइंड फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना बेटा, एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। ठीक है बेटा, सी पार्ट में कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई एंड जेड। ठीक है बेटा, पहले से ये न्यूक्लियाई रेस्ट में था बेटा, है ना। एक बात को याद रखना कि बेटा इस रिएक्शंस में है ना एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी रिलीज्ड, ये दोनों जो होगी बेटा ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, है ना बेटा। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो करो करो बच्चा करो। अनुज बोलो। अनुज नरेश, सर, अब से हमारी हर एक क्लास जेपी वाली आईडी पे होगी क्या? फिर से बोलना एक बार हमारी क्लास। सर मैं जेपी बी का हूँ, मतलब तो हर हाँ क्लास जेपी ए वाली आईडी पे होगी ना? हाँ यस सर, वही थोड़ा आज हाँ भी ठीक है। टेस्ट का सिलेबस में डाल दूंगा ग्रुप बेटा, टेस्ट का सिलेबस मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, चिंता मत करो। ए बेटा एटॉमिक मास नंबर है, बी नोट हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, दीपक बोलो। सर आपने जो अभी एक सेंटेंस कहा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में वो रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, मैंने कहा था बेटा अगर इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हुई इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और अगर एनर्जी रिलीज हुई इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा।
हेलो सर। हेलो बोलो बेटा। सर, जेपी बी एस स्टार की जेपी स्टार वाली लिंक पे ही होगी क्लास सर? रियली हाँ हाँ उसी पे होगी, फिजिक्स सर, मैं बार बार वाली वहां क्लास चला। कंबाइंड होगी। ठीक है सर। चलो देख बच्चा सॉल्यूशन। देख बेटा, अगर मैं कहूं बाइंडिंग एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, है ना बेटा, तो रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ जी? रिएक्टेंट का मतलब हुआ बाइंडिंग एनर्जी बी आर, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। तो देख बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये हमारा था बेटा 6.5, और एटॉमिक मास नंबर बेटा 180 है, तो कितना हो गया ये? हो जाएगा बेटा 180 इंटू 6.5, कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 1080 प्लस 90, इसका मतलब 1170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। और अगर मैं कहूं बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड, ये हो गया बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा बेटा 120 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 7.2, ये हो जाएगा बेटा 840, और प्लस 6 दूना 12, 42 1 43, इसका मतलब 883.2, नहीं 432 होगा ना ये, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा बेटा 1272 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। तब ध्यान दे बच्चा, रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी ये है और प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ये है, तो सोचो बेटा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो कहोगे बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है बेटा वो जितनी एनर्जी लॉस कर चुका होता है ना। फिर सुनो, मान लो ये हमारा दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, अलग है, इसका मतलब कितनी है बाइंडिंग एनर्जी बोलो? बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? जीरो। ठीक है बेटा, अब ये जुड़ गए है ना, तो एनर्जी लॉस किया, इसका मतलब अगर एनर्जी लॉस किया इसका मतलब ये एनर्जी नेगेटिव हो गई बेटा, ये एनर्जी नेगेटिव हो गई ना बोलो। ठीक है, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी 10 जूल आया इसका मतलब न्यूक्लियस की एनर्जी -10 जूल है ना बेटा, है ना। एनर्जी होना और एनर्जी की कमी होना ये दोनों बातें अलग अलग, ये एनर्जी है नहीं इसके पास, ये एनर्जी है नहीं, ये एनर्जी ये लॉस कर चुका है, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी का लोन जैसा है ना, कर्ज जैसा है, कमाई नहीं है ये, कर्ज है। तो ये जो न्यूक्लियस इतने एनर्जी के कर्ज में था और ये न्यूक्लियस इतने एनर्जी के कर्ज में था, तो देखो बेटा पहले कर्ज ज्यादा था ना इसको बोलो, पहले कर्ज ज्यादा था ना बेटा बोलो, है कि नहीं? मतलब एनर्जी बेटा नेगेटिव है ना, एनर्जी वो नेगेटिव में समझो इसको, निकालेंगे भले ही पॉजिटिव बेटा, लेकिन समझना कैसा होता है हमें इसे कि एनर्जी नेगेटिव में है। तो देख बेटा नेगेटिव में देखोगे तो ये बड़ा एनर्जी है और ये छोटा एनर्जी है, इसका मतलब बच्चा एनर्जी रिलीज हुआ है ना, इसका मतलब इसमें क्या है, पहला का आंसर क्या है बच्चा? एनर्जी हमारा रिलीज है, इसका मतलब क्या है बच्चा? ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझा? ये क्या हुआ? एक्सोथर्मिक हुआ। ठीक है, अब बी में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है ना, तो क्या कहेंगे बच्चा? एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, कहेंगे 1272 माइनस ऑफ 1170, इसका मतलब बेटा 102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो बेटा। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, इसका मतलब सी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई बराबर 102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। फिर मैंने क्या कहा तुमको, तब बताओ, मोमेंटम कंजर्व, याद है कि हमारा मोमेंटम भी कंजर्व होगा बेटा। तो पहले देखो ये मोमेंटम था जीरो, तो बाद का मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इसका मतलब बेटा दोनों का मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना बेटा, दोनों के मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम बेटा, है ना। तो
देख बेटा, दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पी स्क्वायर बाई टू एम। बोलो बेटा, है ना? इसका मतलब मास का इनवर्स रेशियो, मास का इनवर्स रेशियो, है ना बेटा? तो मास का इनवर्स रेशियो क्या होगा? तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, मास का इनवर्स रेशियो। तो देखो ये 120 है, ये 60 है, सॉरी एक्स वाई नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया बेटा। ये तो वाई और जेड था ना बेटा, ये तो वाई और जेड है ना, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई और जेड का रेशियो उसके मास के इनवर्स रेशियो। तो जिसका मास डबल है बेटा उसकी एनर्जी आधी होगी। बोलो, बात समझा? इसका मतलब 1:2 के रेशियो में टूट जाएगा, है ना बेटा? 1:2 के रेशियो में टूट जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा बोलो? कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई ये हो जाएगा बेटा 102/3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड 2×103/2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लो। अमित बोलो। सर बाइंडिंग एनर्जी तो पॉजिटिव होती है ना? नहीं बच्चा, बाइंडिंग एनर्जी भले ही लिखा पॉजिटिव में, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव में है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। यस सर। है ना? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी का लोन है, मतलब एनर्जी का कर्ज है इसके ऊपर, इतनी एनर्जी ये नुकसान कर चुका है, समझा? यस सर। अब समझो कि लोन इसका बढ़ गया, लोन बढ़ गया मतलब इसने खर्च कर दिया और ज्यादा। यस सर। पीयूष बोलो। सर कल आपने बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज वाला कंजर्व, सही बात। उसे थोड़ा बताइए, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ सब। बेटा जितना न्यूक्लियर रिएक्शन के पहले, मतलब फीजन फ्यूजन रेडियो एक्टिविटी कुछ भी हो, जितना चार्ज पहले होना चाहिए उतना चार्ज बाद में होना चाहिए न्यूक्लियस पे, समझा? मतलब ये कि बस न्यूट्रॉन ने पार्ट लिया इसकी? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। तू इंतजार कर, जब फीजन फ्यूजन पढ़ाएंगे ना, वेट कर, ठीक है? रिएक्शन दिखाएंगे तो समझ में आएगा तुम्हें। एनर्जी रिलीज मतलब प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी, सही बात। एनर्जी अब्सॉर्ब मतलब रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी। नरेश बोलो। सर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है ना कि जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। नमन बोलो बेटा। ये भी चला गया। सही, फर्स्ट वोट। बोलो बोलो। हाँ फर्स्ट वोट था। हाँ फर्स्ट नहीं है अभी, ये अभी फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ बोर्ड मिट गया। ओके। ऋषभ। सर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये भी तो कह सकते हैं सर कि जो दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो जुड़ रहे हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर से बोलना। सर बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो जुड़ रहे हैं उस एनर्जी उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज, हाँ बिल्कुल, उसको भी कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों के जुटने बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी जो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ये भी कह सकते हैं, ये भी चलेगा बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। देखो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है बेटा हमारा कि मान लो बेटा 2x से बना बेटा y, ठीक है? यहाँ एटॉमिक मास नंबर, x का एटॉमिक मास नंबर बेटा 60 और इसका 120, ठीक है बेटा? और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसकी थी बेटा 6.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा, है ना? तो सवाल कहता है फाइंड
देखो इसका था बेटा 6.2, इसका हमारा 6 है. फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस फ्यूजन. बनाओ तो बेटा, बोलो भाई राम. सर एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब गेन उसके बारे में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर. अच्छा पहले बताओ रिएक्टेंट की जो बाइंडिंग एनर्जी मैंने कैलकुलेट करी और जो मैं निकाली प्रोडक्ट की, वो समझ में आया? यस सर. ठीक है चलो समझो. अब मान लो अगर मैं कहूं कि तुम्हारी पहचान इस बात से है बच्चा, तुम्हारी पहचान इस बात से है कि तुम्हारे पास कितने पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कितना कर्ज है. यस सर कर्ज लोन. मान लिया भाई, मान लिया. सुना मैंने मानने बोल रहा हूँ यार. चल ठीक है, तेरा अपने ऊपर करने का मन नहीं है तो मेरे ऊपर ले. ठीक है चल, आपसे मेरी पहचान कर्ज लेने के लिए है, समझा? तो मान लेते तेरे को मैं आज मिला, आज तुझे मैंने बताया कि मेरे ऊपर 10 लाख रुपया कर्ज है ना? सुन रहा है? यस सर. और कल तू मुझे मिले और मैं बोलूं मेरे ऊपर 12 लाख कर्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? कर्ज बढ़ रहा है. कर्ज बढ़ रही है इसका मतलब मेरे एंड से पैसा कमा रहा हूं मैं या पैसा खर्च कर रहा हूं मैं? खर्च कर रहे. खर्च कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या होगा? एक्सोथर्मिक हो गया. तो बाइंडिंग एनर्जी की पहचान क्या है? जितना वो खर्च कर चुका होता है, मतलब जितना वो कर्ज में होता है. बाइंडिंग एनर्जी एक तरह से लोन होता है. हाँ थैंक यू सर. बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है? एमवी स्क्वायर बॉडी का एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच बॉडी का एनर्जी है. लेकिन ये एनर्जी का लॉस हो चुका एनर्जी है. यस सर. थैंक यू सर. समझ गए? यस सर. वेलकम बेटा. सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिस कब होगी? जब से तू करना शुरू करेगा हो जाएगा बेटा प्रैक्टिस. आरआईटी रीत, रीत का आंसर आया, अदिति का आंसर आया, बाकी बच्चे बताओ. सौरभ का भी आंसर आया, राम का भी आया. बाई थ्री कैसे आया? 1:2 का रेसी टूटे का कैसे आएगा? कनीज का आया, हर्ष, कनीज, सोमेश, सुमित, कुश, रोशन, मनीष, इतने सारे आंसर आए अलग अलग तरह के, लेकिन कुछ आंसर कॉमन आ रहे हैं 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कुछ आंसर 12 भी आ रहे हैं. चलो देखो मैं करता हूं बेटा सॉल्यूशन. देखो बेटा मैंने कहा बेटा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना बोलेंगे बेटा? तो 6.2 × 60. ये तो एक न्यूक्लियाई का हुआ बेटा. वैसे कितने मर्ज हुए? 2. तो इंटू 2 कितना हो गया? ये हो गया 120. 12 × 2 = 24. 12 × 6 = 72. 72 × 2 = 74. 744 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या बना बेटा? वाई बना. 6 × 120. तो 6 × 120 इज इक्वल टू 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोलो बेटा. ठीक है तो बताओ इस कंडीशन में क्या दिख रहा है बेटा? बाइंडिंग एनर्जी घट गई. बाइंडिंग एनर्जी घट गई इसका मतलब लोन कम हो गया. लोन कम हो गया इसका मतलब मैंने कमा लिया. कमा लिया मतलब गेन किया है ना बेटा. इसका मतलब कैसे रिएक्शन हो गया बेटा? ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया है ना. अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया इसका मतलब इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होगी है ना. एनर्जी देंगे कैसे? फिर वही कैसे देंगे एनर्जी? एनर्जी देंगे कैसे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ना बेटा. तो दो न्यूक्लियाई एक्स का है बेटा, दो न्यूक्लियाई एक्स का है तो इसको कैसे टक्कर करोगे बोलो? अच्छा मेरी गलती थी इसमें, मेरी गलती थी इसमें, बताया तुमको नहीं. मुझे बोलना चाहिए था, इसको मुझे बोलना चाहिए था इन आइडेंटिकल कंडीशन. दो एक्स को बेटा आइडेंटिकल कंडीशन में रखेंगे है ना. इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिला करके, इसका मतलब 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इक्वल टू दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा 24. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बेटा. 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए ना एनर्जी कम से कम. ठीक है
लिख ले बच्चा। देख बच्चा, नहीं बेटा अपोजिट डायरेक्शन में टकराएंगे ना तो हम मानेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना, और दोनों चिपके रह गए ना, दो एक्स मिले और चिपके रह गए, सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना। आइडेंटिकल में होंगे तो पहले का मोमेंटम जीरो होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो वाद वाले बाद वाले का भी जीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देख बच्चा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन कौन सी घटना है बताओ, न्यूक्लियर फ्यूजन कौन सी घटना है। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है, अगर आइडेंटिकल कंडीशन ना बोले तो, अगर आइडेंटिकल कंडीशन ना बोली जाए है ना बेटा, अगर आइडेंटिकल कंडीशन ना बोली जाए तो क्या करना बेटा, करना यह है कि हम बोलेंगे कि इनकी ऐसे कोलिजन होगा बेटा, इनकी ऐसे कोलिजन होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होना चाहिए, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर ना कहा जाए तो सवाल कैसे सोचेगा, तुम कहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉस क्या होता है, तो कहेंगे हाफ इनटू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर। बोलो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर है ना बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। देख बच्चा, काइनेटिक एनर्जी लॉस m1 m2 बाय m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हाफ इनटू m बाय 2 इनटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर क्या कहोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 0 से लेकर 2b तक है ना। तो ये अगर 0 से लेकर 2b होगा, इसका मतलब हाफ m बाय 2 2b का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे हाफ mb स्क्वायर इनटू 2। बोल बच्चा, समझा, इसका मतलब पहले की काइनेटिक एनर्जी लॉस की आधी होनी चाहिए है ना। इसका मतलब 0 से लेकर के 48 तक होगा फिर आंसर, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या था बेटा, तो कहेंगे स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियाई है ना बेटा इनटू टू और मोर, दो या दो से अधिक मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई है ना बेटा। कहेंगे दो, एक हैवी न्यूक्लियाई है ना बेटा, ये क्या लिख रहा है बार बार, बोर्ड कट रेडमी क्या लिख रहा है बच्चा, तुम समझ ही नहीं आ रहा, बोर्ड कट लिख रहा है, पता नहीं क्या ये, मेरा बोर्ड काट देगा तुम, छोटा करना है बोर्ड को, बड़ा बोर्ड अच्छा ही लग रहा। आउट ऑफ फ्रेम, कौन आउट ऑफ फ्रेम है, सारा फ्रेम में, कुछ भी बोर्ड से बाहर नहीं है। देखो नीचे का, अच्छा ये बोलना चाह रहा है, सॉरी हाँ बोल, आउट ऑफ फ्रेम बोल यार, लिखता है बोर्ड कट इतना खराब, तुम खतरनाक लिखते हो अंग्रेजी यार, काश तुम लोग आजादी से पहले पैदा हो गए होते, आजादी से पहले पैदा होते तुम्हारी अंग्रेजी सुन करके अंग्रेज ऐसे ही भाग जाते। लिखा बोर्ड कट में क्या समझेगा आदि बताओ। चल देख, स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियाई इनटू टू और मोर मीडियम साइज न्यूक्लियाई। देख, बड़ा न्यूक्लियाई, भारी न्यूक्लियाई, दो या दो से अधिक मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में टूट जाएगा है ना बेटा, मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में टूट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, फ्यूजन, ठीक है। लेकिन बच्चा बताओ मुझे, ये अपने आप तो नहीं होगा है ना, कैसे होगा ये, इट विल
initiate by absorbing some small amount of energy. समझा बेटा, थोड़ा सा एनर्जी हमें इसे एक्साइट करने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है बेटा, है ना। उसके बाद आफ्टर फ्यूजन, जब फ्यूजन होगा, जब टूटेगा, है ना बेटा, तो कहेंगे हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज कहो, लार्ज अमाउंट, है ना बच्चा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज्ड। समझा बेटा, जब फ्यूजन हो जाएगा तो बहुत सारा एनर्जी इससे बाहर आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235, देख बेटा यही सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, है ना, यूरेनियम 235, है ना बेटा। ये अपने आप नहीं टूटेगा, ये अपने आप नहीं टूटेगा, है ना, लेकिन जब इसको एक स्लो न्यूट्रॉन से टकरा दिया जाए, है ना बच्चा, इसको अगर हम स्लो न्यूट्रॉन से टकरा दें, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बच्चा स्लो न्यूट्रॉन, है ना, या बोलते हैं क्या इसको, या बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, है ना बेटा, या क्या बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन। इतनी कम एनर्जी, है ना बेटा, जो मामूली टेम्परेचर वगैरह से भी गेन कर सकता है, ठीक है, उतनी काइनेटिक एनर्जी से जब जाके वो टकराएगा, है ना बेटा, जब वो जा करके टकराएगा तो ये बन जाएगा यूरेनियम, यहां लिख दे रहा हूं 235, ये हो जाएगा बेटा 236, है ना। लेकिन अब ये जो 236 होगा बेटा, है ना, ये अब स्टेबल नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल, स्टार मार्क का मतलब अनस्टेबल, ठीक है, पहले इसको लिखो, इरेज करूंगा मैं। आयुष रुक जाओ, बात करेंगे बेटा तेरा क्वेश्चन के बारे में, अंशुल पूछना है बेटा कुछ। सर वो एक बार आइडेंटिकल कंडीशन वाला बता दीजिए सर ब्रीफली, वो समझ नहीं आया। नहीं, वो क्वेश्चन में होना चाहिए था, छूट गया था मुझसे, है ना, क्वेश्चन में होना चाहिए था कि दोनों एक्स जो है आइडेंटिकल कंडीशन में आगे टकराए। यस सर, समझ में आई बात, मतलब दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, है ना। पिछले क्वेश्चन में इसलिए उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों टूट रहे थे, इसीलिए। बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू। ठीक है बच्चे, देखो तो, देखो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी काफी कम होती है अपने आप में, है ना, काफी कम, मतलब कितनी, तो कहना 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी कम एनर्जी, है ना बेटा। अब जब टकराएगा, है ना बेटा, तो टकरा करके इसमें दो तरह का रिएक्शन होता है बेटा, दो तरह का रिएक्शन हो सकता है, एक एक्स बन गया और वाई बन गया, है ना बेटा, दो न्यूक्लियाई बन गए और इसके साथ रिलीज होंगे दो न्यूट्रॉन, ठीक है, इसके साथ निकलेंगे दो न्यूट्रॉन, या फिर दो अलग रिएक्शन होंगे, मान लो एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस, निकलेंगे तीन न्यूट्रॉन, समझो बेटा। और दोनों तरह के रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी लगभग सेम होती है, समझो बेटा,
मतलब जब ये टूटेगा है ना, तो इसके टूटने के दो तरीके हो सकते हैं, इधर और इधर, है ना बेटा। एक रिएक्शन में निकलता है दो न्यूट्रॉन और एक रिएक्शन में निकलता है तीन न्यूट्रॉन, और दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर, इसका मतलब हम बोलेंगे ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियाई के टूटने से कितना निकलता है न्यूट्रॉन, तो 2 + 3/2 ढाई न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चा, लिख ले। बोले भाई टेस्ला साहब। सब पूछ रहे सर, एटम बम्स में न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन एक साथ होता होगा ना? नहीं बच्चा, देखो एटम बम जो बोलते हैं ना, उसमें फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। एटम बम में फ्यूजन रिएक्शन और हाइड्रोजन बम में फ्यूजन रिएक्शन। तो ऐसा समझा? तो ऐसा नहीं होता है कोई ऐसा बम हो कि जो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुआ हो वो फ्यूजन में यूज करके उस पे मतलब कि अटैक किया जाता है, मतलब इस तरह जनरेट करता होगा एनर्जी फ्यूजन में। ऐसे भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता यूजुअली। क्योंकि कहा जाता है कि फ्यूजन का जो रिएक्शन एनर्जी है ना बेटा, कि पर मोलिकुल फ्यूजन में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। विकास सर, जो एनर्जी रिलीज जिसमें सर पहले वाले क्वेश्चन में सर मेरे को डाउट है, 102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना सर? हाँ सर, केवाई और केजेट का रेशियो कैसे पता किए थे सर, समझ में नहीं आया। बताओ दोनों का मोमेंटम सेम था, समझ में आया था बच्चा? बोलो बेटा। यस यस सर, दोनों का मोमेंटम सेम लिया था वो समझ में आया था? यस सर। जब दोनों का मोमेंटम सेम होगा बेटा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m बोलोगे ना? यस सर। तो मोमेंटम सेम बेटा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, समझ गए? सुमित सर, इस रिएक्शन में ऊपर वाली रिएक्शन होगी या फिर नीचे वाली होगी, दोनों साथ में नहीं होगी? दोनों तरह की होगी, दोनों तरह की होगी, दोनों साथ भी होगी। मान लो अगर 100 न्यूक्लियाई टूटेंगे ना, यस सर, अगर 100 न्यूक्लियाई टूटेंगे है ना बेटा, तो लगभग 50 में एक तरह का होगा और 50 में दूसरी तरह का होगा। अच्छा सर, ठीक, समझ गए बात? यस सर। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है बेटा, लगभग ही बोल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक सर। अरे घूम क्यों रहा, एक मिनट यार रुको, सेट करने दो। ठीक है बच्चा, तो देखो, अब देखो बच्चा, ये जो हमारे न्यूट्रॉन थे वो कौन से न्यूट्रॉन थे बेटा? देखो फोकस हो रहा है, रुक जाओ। बस कर भाई, कितना फोकस करेगा, हो गया, मन नहीं रहा है तो यार जीत पे आ रहा है। हाँ ठीक है, देखो बच्चा, तो ये न्यूट्रॉन और वो न्यूट्रॉन में क्या अंतर बेटा? तो ये हमारा बेटा क्या, स्लो न्यूट्रॉन, ये हमारा क्या है बच्चा, स्लो न्यूट्रॉन है ना। और देख बेटा उस वाले में क्या है, वो बेटा फ्यूजन के बाद का न्यूट्रॉन है ना बेटा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है ना, ये हमारा क्या है बच्चा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है ना बेटा। ये और ये देखो, दोनों एक काम अलग होगा बेटा, सेम नहीं हो सकता, ये बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा हुई तो क्या होगा, सुनना ध्यान से, इमेजिन करो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है बेटा है ना। अब सोचो ये जो तुम न्यूट्रॉन भेज रहे हो बेटा है ना, वो इसमें अब्जर्व होना चाहिए
है ना बेटा। लेकिन सोचो जब ये न्यूट्रॉन इसके पास आएगा तो उसको करेगा अट्रैक्ट, है ना बेटा, ठीक है। अगर इसकी स्पीड ज्यादा हुई तो ये एस्केप भी कर सकता है ना साइड से, बोलो, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इमेजिन करो, जैसे कि तुम इमेजिन करो कि कोई प्लेनेट है बेटा और कोई मेटियोराइट आ रहा है, अगर उसकी स्पीड कम होगी तो क्या होगा, आगे गिर जाएगा इसमें, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा हुई तो स्किप कर जाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बोलो, है ना। इसलिए न्यूट्रॉन का स्लो होना जरूरी है, ठीक है बच्चा। गुरुजी आप जरा बंद कीजिएगा अपना, हमारा वीडियो हम ही को दिखा रहे हैं आप, देखे समझ गया बेटा। तो देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले। सबसे पहला पॉइंट क्या कहेंगे बेटा हम लोग, ऑन एन एवरेज 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 2.5 फास्ट न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड, है ना बेटा। लगभग हर रिएक्शन में, है ना बेटा, इतनी एनर्जी, इतना न्यूट्रॉन्स निकलते हैं पर रिएक्शन, हर रिएक्शन में ऐसा होता है, ठीक है बच्चा। अब देखो दूसरा पॉइंट मैंने कहा बेटा कि इसमें एनर्जी लॉस होती है ना बेटा, एनर्जी रिलीज होती है ना, तो इसको भी याद कर लो, डाटा ये क्वेश्चन में काम आएगा। ऑन एन एवरेज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड पर रिएक्शन, है ना बेटा, हर रिएक्शन में लगभग इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बच्चा। तीसरा पॉइंट गौर करना बेटा, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि इन न्यूट्रॉन्स को अगर हम किसी भी तरीके से स्लो कर दें तो ये बेटा ये वाला काम भी कर सकते हैं ना, बोलो, है कि नहीं, बात समझा ना बेटा। तो क्या कहेंगे, ऑन पासिंग थ्रू कैसे पास कराते हो, कैसे काम करते हैं बच्चा इसको, जब मॉडरेटर से पास कराते हैं, है ना बेटा, ऑन पासिंग थ्रू मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है, कोई भी एक मीडियम है जहां से पास करने पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है बच्चा। यूजुअली ये हम हैवी वाटर एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, मॉडरेटर, ऑन पासिंग थ्रू मॉडरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बी स्लो डाउन, है ना बेटा, इसकी क्या कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, है ना बेटा, कैन बी स्लो डाउन, ठीक है, है ना, सो दैट दे कैन इनिशिएट रिएक्शन इन अदर यूरेनियम न्यूक्लियाई, है ना बेटा, समझा बात को, ठीक है। एंड हेंस चेन रिएक्शन स्टार्ट, समझा बेटा। जैसे कि मान लो अगर मैं x ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 के पास एक न्यूट्रॉन को लाके मैं हिट कराऊं, है ना बेटा, तो एक न्यूक्लियाई उसके ऑब्जर्व कर लेगा और उससे निकलेंगे दो न्यूट्रॉन निकलेंगे बेटा, लेकिन ये दो न्यूट्रॉन हो जाएंगे फास्ट न्यूट्रॉन, है ना, ये अब कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक ही बार रिएक्शन होगा फिर दोबारा नहीं होगा बेटा। लेकिन अगर इसकी स्पीड कम कर दी जाए तो ये दो न्यूट्रॉन दो अदर न्यूक्लियाई में टकरा करके उनको करवा देंगे स्टार्ट, है ना, फिर दो से निकलेंगे चार से निकलेंगे आठ से निकलेंगे 16, है ना बेटा, और रिएक्शन एक कंटिन्यू होता जाएगा जब तक कि एक कंप्लीट सैंपल कंज्यूम ना हो जाए, है ना बेटा। जब कंप्लीट सैंपल कंज्यूम हो जाएगा तो कहानी खत्म, है ना, लेकिन जब हम एक बार रिएक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा तो लगातार रिएक्शन करता रहेगा, इसका मतलब लगातार एनर्जी
रिलीज होता रहेगा, है ना बेटा, लगातार एनर्जी रिलीज करता रहेगा, मतलब ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा। बात समझ गया बेटा? ठीक है ना, ठीक। यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना बेटा, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर इन पावर प्लांट इस लगाते हैं बेटा हम लोग, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज करते हैं कि लगातार हमारी एनर्जी रिलीज करता रहे। ठीक है, लिख लो इसको। अभिषेक बोलो। सर हाँ बोलो बच्चा। सर उस टाइम सर आप वो लड़के से बात कर रहे थे ना सर कि दो रिएक्शन साथ में होती कि नहीं। हाँ सर, वो मैंने पहले रिसर्च कर रखा था सर उसके ऊपर सर। हाँ, वो क्या पता लगा बताओ सर। जो भी हाइड्रोजन बॉम्ब उसको थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं सर। सर उसमें हाँ, क्या होता है सर, पहले जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो रिएक्शन होता है, पहले फिजन होगा उससे एनर्जी रिलीज करके फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाएगा सर। उसमें हाइड्रोजन गैस का एक चैम्बर रहता है सर, जो हीट होता है ना सर, हीट की वजह से दो हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होने लगते हैं सर, फिर वो हीलियम, उसमें कुछ मास लॉस्ट होता है और फिर वो एनर्जी पे वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड, बहुत अच्छा बेटा, सबको सुन लिया? ठीक है सर, इतना ही बताना था। गुड, थैंक यू बच्चा। सौरभ बोलो बेटा। सौरभ हेलो सर, ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी या फिर रुकेगी भी कहीं पे? क्या सर, रिएक्शन अपने आप होती जाएगी या फिर रुकेगी? रोक सकते हैं बेटा, हम चाहें तो रोक सकते हैं। रोकना कैसे है, किसी भी तरह से इस न्यूट्रॉन को हटा देना है। इस न्यूट्रॉन को हटा लोगे तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, है ना, मतलब कोई ऐसे एलिमेंट के मटेरियल को उसमें इंसर्ट कर दो जिसके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हों, जिनके आइसोटोप्स बहुत ज्यादा होते हों, है ना बेटा, तो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेगा, है ना बेटा, अब्सॉर्ब करके कहानी खत्म, फिर रिएक्शन बंद। बंद करना हो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सर ऐसे ही करते हैं। हाँ करते हैं, ऐसे ही करते हैं बच्चा। निखिल बोलो। सर मेरा भी यही डाउट था, लेकिन हा? मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में डाउट नहीं था सर, मुझे एटम बम में डाउट था। डाउट ये था सर कि जब ये हम लोग ऐसे रोक सकते हैं सर, मतलब एटम बम को जैसे कोई देश हमला कर दिया तो हम लोग इसे रोक सकते हैं सर, बच सकते हैं सर, वरना समर जाएंगे सर हम लोग। गुड आइडिया, सही बात बोल रहा तुम, मरने से पहले अपने आप को बचा लेंगे, है ना। हाँ सर, वाह खतरनाक आइडिया तेरा था। सनी से पूछ रहा हूँ सर कि कैसे बच कैसे सकते हैं बेटा। देखो बाबू समझो, तुम उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, है ना बेटा, ठीक, जिसको तुम कंट्रोल्ड वे में एनर्जी का आउटपुट निकाल रहे हो, वो तो अनकंट्रोल्ड है बेटा, है ना। हाँ उसके इफेक्ट को बाद में कम किया जा सकता है। सोनू बोलो। सर जब ये रिएक्शन होता है तो सर एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश सर ये रेडियो एक्टिव होता है क्या? नहीं बच्चा, रेडियो एक्टिविटी अलग है। तो सर फिर ये क्यों कहते हैं? अलग है तो सर फिर क्यों कहते हैं कि जैसे वो सुनते हैं ना कि सर जब एटम बम वो एक्सप्लोड करता है तो सर रेडियो वो रेडियो एक्टिव ये हमारे एटमोस्फेयर में सर रेडिएशन बहुत ज्यादा मतलब होने लगता है सर, ये जो एनर्जी होती है ना रिलीज, है ना, वो हमारे और सराउंडिंग के एलिमेंट भी अब्सॉर्ब करते हैं और सराउंडिंग के एलिमेंट एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसके न्यूक्लियर एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो भी अनस्टेबल हो जाते हैं। सिर्फ एक ही काम नहीं हो रहा, एक से वाई हो रहा है, वाई से जेड हो रहा है, समझा? यस सर। और सर सर एक एक और अब बस कर दे बेटा, है ना, देख पढ़ के तुझे वैज्ञानिक बन रहा है, आतंकवादी नहीं, है ना, आतंकवादी तेरे को नहीं बनना है ना, आतंकवादी कौन बनता है जो इतने ही पढ़ के सोचता है बम बना लेंगे और एक्सप्लोड कर जाता है बेटा खुद ही, है ना, पहले पूरा पढ़ लेना तब बनना। अब चलो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, होमवर्क करेंगे डिस्कस, नोट कर लो इसको। ऑन पासिंग थ्रू क्या है, क्या लिखा है? ऑन पासिंग थ्रू मॉडरेटर, ऑन पासिंग थ्रू मॉडरेटर, ठीक है। नमन बोलो बेटा। सर एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू होता है तो फिर वो कितने टाइम तक चलता है?
कितने टाइम चलता है, मतलब सर मतलब कितने समय तक मतलब रिएक्शन करते रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते रहता है जब तक वो पावर प्लांट को आउटपुट देना हो लगातार। सर आउटपुट से मतलब सर यूरेनियम और सर स्लो न्यूट्रॉन देते रहेंगे तब तक वो रिएक्शन करता रहेगा। जब तक यूरेनियम रहेगा तब तक करता रहेगा रिएक्शन, और जब तक वो रिएक्ट करता रहेगा तब तक एनर्जी निकलता रहेगा उससे, जब तक एनर्जी निकलता रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता रहेगा उसको, है ना। चलो होमवर्क डिस्कस क्या दिया था बेटा, होमवर्क कुछ बताओ। एक्सरसाइज टू पार्ट वन और टू ये कहा था, चलो निकालो बच्चा सीट निकालो मॉडर्न की। निकाल बेटा, तो वो सीट निकालो। वीडियो कहाँ अपलोड करते हैं सर? वीडियो कहाँ अपलोड करते हैं? यूट्यूब पे करते हैं बच्चा अपलोड। कल का किया हुआ है क्या? कल का वीडियो किया हुआ है जी हाँ बच्चा, किया हुआ है। सर सेकंड पॉइंट में आपने लिखा है ऑन एन एवरेज इतनी एनर्जी दोनों रिएक्शन का एवरेज लेकर के, है ना। आपने भी पॉइंट लिखवाया कृपया सभी लोग अपने आप को म्यूट सर, सिर्फ एक्सरसाइज टू पार्ट वन करनी है डिस्कस। सर मैचिंग भी नहीं, वन पार्ट थ्री भी मैचिंग नहीं आ गया, पार्ट थ्री और एक्सरसाइज टू पार्ट वन। अच्छा जी मैं हमारा सेक्शन एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन निकालो। हाँ एक्सरसाइज वन पार्ट थ्री सेक्शन जी भी बाकी है, अभी जी बाकी है सर। जी को सर एक्सपेरिमेंट ओके, बाद में करवाओगे सर। तो हो गया था ना बाद में? यस सर हो गया सर, एच बाकी सर, हो गया हो गया। एच करना है, एच एच चलो एच करना है सर। एच पढ़ाया है नहीं सर? एच नहीं पढ़ाया सर, डैमेज नहीं पढ़ाया। देख लेते हैं ना बच्चा, घबरा क्यों रहा है इतना। हां वो एविएशन जड़ एच बताओ, ये हो गया एच1 हो गया कैसे होगा, या तो फिर फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला ये उपाय है, कोई उपाय नहीं है फिर बाद में बता देना सर, कोई बात नहीं। यस सर तभी कर लेंगे। H2 में देखो, H2 में सर स्टार्ट में उसके अलावा भी तो कुछ होगा नहीं सर, यही है डेविएशन एक्सपेरिमेंट सिर्फ वही है सर। क्या सवाल है? यस सर, यस सर, और कुछ नहीं है। चलो हटाओ तो पार्ट एक्सरसाइज पार्ट थ्री में आओ फिर। पार्ट थ्री क्या बोलो, पहला हो गया ए बी डी हो गया ये ठीक, ए वन का ए सर फर्स्ट सेवन का ए पूछना है। देखो वन का ए पता है सैचुरेशन फोटो करंट, सैचुरेशन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। नोट्स में चेक करो आई वर्सेस कैपिटल आई ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन आर हो जाएगा बच्चा। बताया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ फ्रीक्वेंसी का, ये बताया था ये होगा। यस सर, यस सर। फिर था बेटा फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, ये भी फोटो करंट अप्लाइड वोल्टेज फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वाला ग्राफ ये है और फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ ये है ना। यस सर। सेकंड हो गया बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। थर्ड 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 का सीडी, सीडी थर्ड का सीडी ए बी सी डी ई एफ जी। यस सर ठीक है। देखो बच्चा सब बता देता हूं, देखो इसमें सब बता देता हूं, देख ले बच्चा। ये सवाल है, पहला पूछा गया हमसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी ठीक है। देख तो बच्चा फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें ए वाले पार्ट में, तो देख बेटा ए वाले के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग एफ ना बेटा, एफ
एफ को बोलोगे ओमेगा अपॉन टू पाई, बोलो बेटा ठीक है, और ओमेगा को बोल सकता है बेटा बी बाई आर, बोलो है ना। देख बेटा वी जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बोलो बी होता है प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, जेड बाई एन, और आर क्या होता है बेटा प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, स्क्वायर बाई जेड, बोलो अब इन दोनों का रेशियो करो बी बाई आर, बी बाई आर क्या हो जाएगा बेटा प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। इसमें कौन सा ऑप्शन आया देखो, ए के साथ P आ गया और R आ गया ठीक है, P R P और R, यस सर। चलो B में आओ, B में बेटा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो सिंपल होता है एंगुलर बराबर एम बी आर बराबर एन एच बाई टू पाई ना बेटा, बोल यस सर, यस सर। इसका मतलब ओनली Q, ओनली Q होगा ना बेटा ठीक है, यस सर। अब C में देखो मैग्नेटिक मोमेंट, तो देख बेटा मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है आई इनटू एरिया होगा ना, आई क्या होगा बच्चा, तो आई होगा क्यू बाई टाइम पीरियड इनटू एरिया हो जाएगा बच्चा पाई आर स्क्वायर है ना। देखो तो क्यू बाई टाइम पीरियड को बोल सकते हो क्यू इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू पाई आर स्क्वायर, बोलो yes, है ना yes, sir। अब ध्यान दे बच्चा इसमें एफ का वैल्यू पुट कर ले तो क्या होगा क्यू इनटू वी अपॉन टू पाई आर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, बोलो बेटा होगा। तो देखो एक आर कट गया ना बेटा, बोलो ये भी क्या आ गया प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आर, बोलो प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आर ना बच्चा, यस सर। प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आर क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल, ये भी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एन एन एच बाई टू पाई, यस सर। तो क्या मैच कर जाएगा इसमें ओनली क्यू, ओनली क्यू सर, यूएस दोनों दे रखे हैं किसका, एन भी दे रखा है, यस सर। एस वन इंडिपेंडेंट, यस सर। एस भी होगा, एस भी होगा ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड भी होगा, इसमें भी एस होगा, यहाँ भी एस होगा है ना। अब डी कहता है बेटा आई बाई वही कहता है, डी वाला क्या कह देगा वही कहेगा, डी वाले बेटा एवरेज करंट फिर वही क्यू बाई टाइम पीरियड मतलब क्यू इंटू एफ जो फ्रीक्वेंसी का था बेटा भाई उसका भी आंसर होगा। अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आओ, ओम अपने क्वेश्चन सेकंड सर 7th क्वेश्चन 11 सेकंड अपने आप को मैं देख मैं रुको 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 पार्ट 3 में किसको पूछना है तो बोलो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में किसी को पूछना है कोई और सर, फर्स्ट का डेली में से डिफरेंट वेव फंक्शन फर्स्ट का डी में, हां कहता है फोटो करंट इंटेंसिटी अप्लाइड वोल्टेज एट कांस्टेंट इंटेंसिटी आई कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट वर्क फंक्शन, बेटा वर्क फंक्शन अलग अलग होगा तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा ना बेटा, बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट किसमें दिखा रहा है, इस वाले में देखो यहाँ पे दिखा रहा है yes, अब आ जाओ टू पार्ट वन में, किसी ने कहा था क्वेश्चन नंबर टू, यस फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, देख दो बच्चा तो मान ले यहाँ बच्चा कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है ना, तो लाइट के सोर्स से आर की दूरी पे इंटेंसिटी क्या लिखते हो, आई बराबर पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हो ना बेटा, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो गया है ना, और इंटेंसिटी के कहते हो ना प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, बोलो यस सर। तब इसको देखो और इसको देखो तो क्या कहोगे, आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, यस सर ठीक है बच्चा, डी ऑप्शन सर। डिस्टेंस क्या मतलब इसका सर, बी वाले का डिस्टेंस है ना आर, आर आर है ना सोर्स से आर की दूरी, यस सर। यहां पे रखा हो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल, दूरी बढ़ाए घटाए उसके बारे में बोल रहा है ये, फोर देखो सर थर्ड होता था बेटा इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, थर्ड 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 फोर देख लिया जाए, नाइंथ भी थर्ड 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 सर थर्ड में डाउट किया सर, बी क्यों नहीं आ रहा सर, सेकंड में बी ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे,
सेकंड में बी ऑप्शन कैसे करेंगे एलिमिनेट आई प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर ग्राफ ये थोड़ी बनेगा बेटा तो गलत ग्राफ है ना ऐसे नहीं बनता ग्राफ इसका बोलो ऐसे ना बोलेगा बढ़ता हुआ स्लोप यस सर यस सर है ना ये तो पैराबोला जैसा हो गया उल्टा पैराबोला जैसा हो गया थर्ड देख बच्चा सर थर्ड में कहता है इन्हें फोटो हाँ हाँ बता रहा हूँ इंतजार तो कर देख कहता है इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड वी तो देख बेटा ई माइनस डब्ल्यू बराबर के मैक्स लिखोगे ना तो ई माइनस डब्ल्यू क्या हो गया एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू बराबर हाफ एम बी स्क्वायर बोलो ठीक है इक्वेशन नंबर वन अब कहता इफ द एक्साइटिंग वेवलेंथ को चेंज कर दिया अब नया कितना लिखेगा एच सी बाई थ्री लैम्डा बाई फोर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम बी वन स्क्वायर मान लिया मैंने बोलो ठीक है इक्वेशन नंबर टू अब इन टू चारों को टू मानने की जरूरत नहीं देखो तो इसमें बोलेगा बच्चा हाफ एम बी वन स्क्वायर बराबर फोर बाई थ्री एच सी बाई लैमडा माइनस डब्ल्यू है बेटा अब देखो इस एच सी बाई लैमडा को इक्वेशन नंबर वन से पुट करो तो क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री ऑफ ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वगैरह इसका मतलब फोर बाई थ्री इंटू हाफ एम बी स्क्वायर अब देखो फोर डब्ल्यू बाई थ्री माइनस डब्ल्यू ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बाई थ्री बोलो बेटा होगा होगा तो देख बेटा बिल्कुल दिख रहा होता देखो अब कि डब्ल्यू की वैल्यू तो हमेशा जीरो से बड़ी होगी ना तो डब्ल्यू की वैल्यू बेटा जीरो से अगर बड़ी होगी इसका मतलब हाफ एम बी वन स्क्वायर जो होगा बेटा ये फोर बाई थ्री ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी ना बोलो अब आया समझ में तो एम बाई टू कैंसिल कर लो तो डी आंसर आएगा बेटा बी तो नहीं आएगा सर फोर्थ का फर्स्ट सर फोर्थ नंबर का पहला स्टेटमेंट फोर्थ देख लो सही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं बेटा हां सर ये तो बड़े सर वो फॉल्स होना देख लेते हैं बेटा सर मे करके देखना चाहिए फर्स्ट मे भी ट्रू होना चाहिए तथा इन्हें फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स एंड बोर्ड लाइट डबल्ड देन क्या होगा देखते हो बच्चा आई इंटू एरिया बराबर एन इंटू ई ध्यान आया तो आई इंटू एरिया बराबर एन इंटू एच इंटू एफ बोलो ठीक है तो देख बच्चा इस सवाल में कहता है कि इंटेंसिटी की जगह पे क्या कर दिया हमने टू आई कर दिया है ना और फ्रीक्वेंसी को कर दिया टू आई टू एफ बोलो एक आता है ना बेटा बोलो अब तुम देख पा रहे होगे अगर हम इसको डबल किए और इसको डबल किए तो ये एन सेम रह गया बोलो इसका मतलब बेटा जितने फोटॉन्स पहले गिर रहे थे उतने ही फोटॉन अभी भी गिर रहे हैं बेटा फोटॉन की संख्या बराबर है जब फोटॉन की संख्या बराबर है तो क्या कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगी और जब फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी तो सैचुरेशन करंट सेम रहेगा ये ट्रू है ना बेटा अभी मैं देख बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड देखते बच्चा के मैक्सिमम इक्वल टू क्या कहते हो ई माइनस डब्ल्यू ना बेटा बोल तो अब देखो कहता है कि हमने क्या किया कि एनर्जी को डबल कर दिया ना फ्रीक्वेंसी डबल तो एनर्जी डबल हो गई बोलो ठीक है तो इसको ऐसे बोलेंगे बेटा टू ऑफ ई के वैल्यू पुट करो पहले वाला के एम प्लस डब्ल्यू बोलो सॉरी होगा बेटा इसका मतलब क्या हो गया के एम डैश बराबर टू के एम प्लस डब्ल्यू हो गया ना बोलो इसका मतलब के एम डैश क्या हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी के एम के डबल से बड़ा हो गया ना बेटा
है ना, तो यहाँ डबल लिखा है तो फॉल्स हो गया, तो फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, समझ गए। पांच नंबर देखो, पांच नंबर पूछा है किसी ने, पांच नंबर कहता है बेटा व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एट डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम ए फोटो सेल द कट ऑफ वोल्टेज एंड द सैचुरेशन फोटो करंट आर इतना एंड इतना फ्रॉम द सेम सोर्स इज प्लेस्ड, कहता है क्या होगा। देखते बच्चा, पहले हमारा कहा था कि सोर्स हमारा यहाँ है और जो मटेरियल है बेटा वो यहाँ से 0.2 मीटर दूर है। अब कहता है बेटा ये सोर्स जो हमारा है वो यहाँ से 0.6 मीटर दूर हो गया, है ना बेटा। तो अब बताओ अगर इंटेंसिटी यहाँ पे आई रही होगी लाइट की तो यहाँ भी इंटेंसिटी आई रहेगा क्या? बोलो सर। नो सर, आई बाय नाइन हो जाएगी ना, कम हो जाएगी सर। यस सर, क्योंकि 4πr² होता है ना एरिया। यस सर, इंटेंसिटी अगर हो गया बेटा आई बाय नाइन, इसका मतलब फोटो करंट यहाँ पे आई होगा तो यहाँ फोटो करंट हो जाएगा आई बाय नाइन। बोलो। यस सर। तो पहले हमारा था बेटा फोटो करंट 18 मिली एम्पियर, तो अब कितना होना चाहिए बच्चा? 2 मिली एम्पियर, है ना। अब बताओ ये वाला क्या कट ऑफ वोल्टेज, अभी आगे आएगा, इंतजार कर लो। अच्छा कट ऑफ वोल्टेज इसमें बोल रहा ना, सॉरी कट ऑफ वोल्टेज उसी को बोल रहा है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। कट ऑफ मतलब काट देना, करंट कट जाए। करंट कटेगा कब? जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। नहीं हो सकता है। अब बताओ बेटा सोर्स हमने बदला कि सेम रहा? सेम है, सेम रहा बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यस सर। तो EVS इक्वल टू क्या होता है? E माइनस W होता है ना। यस सर, काइनेटिक। तो फोटोन की एनर्जी सेम रह गई, मटेरियल हमारा सेम था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा ना। यस सर। तो अभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा 0.6 वोल्ट, है ना। यस। तो देखो बेटा ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया और ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ठीक है फिर सेवेंथ। सेवेंथ देखो बच्चा, सेवेंथ कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल, किसी खास मेटल का वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है सी बाय लैम्डा नॉट व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट इज इंसिडेंट सच दैट द प्लेट्स गेन ए टोटल पावर पी। प्लेट को टोटल पावर पी मिला है ना, इसका मतलब पावर पी इज इक्वल टू एन इनटू एच सी बाय लैम्डा। बोलो बेटा होगा। यस सर। अब कहता है एफिशिएंसी हमारा बेटा ईटा परसेंट है, तो देखो एन ये क्या निकला बताओ, एन क्या निकला? इतने फोटॉन्स पर सेकंड। यस सर, है ना। तो अगर एन इतना आया तो एनडेस कितना आएगा? पी लैम्डा by hc into 1 by 100 eta by 100 eta percent, ये क्या आया? फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। बोलो बेटा। ठीक है, रेडियस r पे गिरा है, पहले से ही भी तक चार्ज किया हुआ था, है ना। नेगलेक्ट एनी इंटरेक्शन बिटवीन प्लेट्स एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल आफ्टर टाइम t। तो बोलो बेटा t टाइम में कितना चार्ज चेंज करेगा? तो कहेंगे n dash into t, इसका मतलब पी एन बाई 100 एच सी इंटू टी। बोलो बेटा, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा। यस सर, बात समझ में आया? इतना चार्ज बदलेगा इसमें, है ना। तो देख बेटा अगर पहले से इसका वोल्टेज वी था, इसका मतलब वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यस सर, है ना। तो अब बताओ के क्यू बाई कैपिटल आर। अब बताओ बेटा इसका वीडियस में बोलू पोटेंशियल, अगर तो वीडियस इक्वल टू क्या बोलोगे? के बाई आर ऑफ, इस पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या होगा? चार्ज घटेगा ना बेटा। बोलो। यस सर। यस सर। तो कितना हो जाएगा? के बाई आर 1/4 πएप्सिलॉन नॉट आर क्यू माइनस डेल्टा क्यू, है ना। इसमें अगर मिला दो इस चीज को तो भी हो गया बेटा, इन दोनों को मिलाओगे तो भी हो गया ना। माइनस ऑफ डेल्टा क्यू पुट करो 1/4 πε नॉट आर इनटू पी एन टी ई डिवाइड बाय 100 एचसी। समझ गए?
सर ये डेल्टा क्यू वाला स्टेप बताना एक बार। अच्छा बेटा यहाँ तक बात समझ में आया ना? यस सर आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं? तो टी से हमें कितने निकल गए? एनडस इनटू टी। यस सर। चार्ज कितना निकल गया? एनडस इनटू टी इनटू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक सर। सर क्वेश्चन 11 दो डायग्राम बना रहे यहाँ पे। दो डायग्राम में क्या दिख रहा है? 11 सर कि फोकल लेंथ अलग अलग है, है ना? लेकिन जहाँ फोकस होगा वहां पे तो बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरेगी ना बेटा, बताओ? समझा ना? मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड सेम गिरेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, फोकल लेंथ से मतलब ही नहीं है। नाइन देखो सर, लेकिन एरिया तो अलग अलग है ना? किसका एरिया अलग अलग है? डायमीटर अलग दिया, डायमीटर सेम है, एरिया भी सेम होगा। बच्चा और लेंस के शेप के बारे में सोचो। देखो नाइन में रेडिएशन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी एक्सपोज्ड टू इंटेंसिटी आई अज्यूमिंग सरफेस ऑफ बॉडी टू परफेक्टली ऑब्जर्विंग, याद कर परफेक्टली ऑब्जर्विंग के लिए ये तुमको बताया गया था ना बेटा, आई अपॉन सी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे कुछ। हां कि एरिया हमारा था प्रोजेक्टेड, है ना बेटा? सर लेकिन वो तो स्फीयर के लिए, वो तो स्फीयर के लिए था ना सर, वो तो स्फीयर के लिए था ना सर। तो सर आपने जनरल लिखाया था? यस सर जनरल लिखाया था, उस स्टेटमेंट में स्फीयर भी था। नोट करके लिखा था। बात है भाई, अगर तू दुकान में जाएगा, दुकान वाले से बोलेगा 2 किलो आलू दो, और तेरे को 2 किलो आलू दिया तो क्या बोलेगा? उसके मशीन से 2 किलो आलू तोल सकते हैं या उसके मशीन से कुछ भी तोल सकते हैं? बताओ तो तेरे खुद का प्रेडिक्शन है बेटा ये। जब अगर हम तुम्हें स्फीयर करके दिखाए और पॉइंट नोट में लिखवाए, इसका मतलब है सबके लिए है वो। सर 11 कौन कौन का प्रोजेक्टेड एरिया बन जाएगा? ट्रायंगल, ट्रायंगल के बेस की लंबाई 2r और हाइट हमारा है h। ठीक है 11 देखो, कहता अल्फा पार्टिकल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, अल्फा पार्टिकल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड बाय 180 डिग्री बाय ए फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। देखो रे अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? +2 ही होता है। अगर 180 डिग्री घुमा है, इसका मतलब यहां से आगे जा करके किसी पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो गई और फिर ये लौट गया। बोलो इन्हें कहना चाहता है? यस सर। तो कहता है यूरेनियम के न्यूक्लियस से, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा? तो बोलेगा 235 e होगा। तो कहता है मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? ये सवाल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सवाल हो गया बेटा, ये सवाल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो गया ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, खत्म। सर 235 होगा। हाँ न्यूक्लियस का कितना होता है यूरेनियम का? 92। अच्छा अच्छा एटॉमिक नंबर, मैं तो एटॉमिक मास नंबर लिख दिया, सॉरी मैं एटॉमिक मास नंबर लिख दिया बच्चा, वो एटॉमिक नंबर होता है ना। Yes, sir. 92 होता है, 92 ई चार्ज होगा। आगे चलो 13 बता दीजिए। 14 सर देखना कैसे है भाई? मेरे क्या पूछ रहा है तू यार? क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये दूरी निकालनी है इसमें। सर 12 सर 12 बता दीजिए। 12 देखो 12 में सर 11 भी 11 नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। 11 तो बता दिया है, देखो बड़ा नंबर में भी तो बताया भाई। देखो भाई इलेक्ट्रॉन ऑफ 24 एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। हीलियम से हीलियम प्लस बनाने के लिए
24.6 लगती है। और हीलियम से हीलियम प्लस की निकालने के लिए कितना होता है 54.4 होता है। यस सर। क्योंकि यहाँ के आगे तो हम काम कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके आगे ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया, तो इसके लिए तो हम निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों जोड़ दो आंसर हो गया। फटीन देखो, एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 एनर्जी लेवल गिवन बाय ग्राउंड स्टेट विद एनर्जी लेवल 0। देखो बेटा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल 0। ये ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 मान लो इसको, ये है एनर्जी 0। अब कहता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारा है k और सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमारा है 2k। कहता था एटम इज इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट, लाइट फ्रॉम ए लेजर व्हिच इमिट्स फोटोन ऑफ एनर्जी 1.5k, 1.5k मिला इसको, तो कुछ नहीं होगा बच्चा। लिखा है फोटॉन्स आर अब्सॉर्ब्ड पुटिंग वन एटम इन E1 एंड अदर एटम इन E2। इसका मतलब समझे, पहला स्टेटमेंट कहना चाहता है कि एक फोटोन जो है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक के और एक 0.5k में। ये तो कभी नहीं हो सकता बेटा। यस है ना, तो गलत हो गया ये। बी कहता है ए फोटोन विल ऑलवेज बी ऑब्जर्व्ड बट हाफ ऑफ द टाइम एंड एटम विल गो इनटू स्टेट विद के ऑन द अदर हाफ इनटू स्टेट 2 के। कहता है इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करते रहेगा ऐसे ऐसे। गलत ना बच्चा? यस सर। सी कहता है द एटम अब्सॉर्ब्स ए फोटोन goes into first excited state with energy k and emits a photon with 0.5k to conserve energy. photon कभी आधा अधूरा absorb नहीं होता है ना? जब भी होता है पूरा ही होता है ना? बोलो। सी ऑप्शन इसलिए भी गलत है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस का फोटोन रिलीज होता है। हाँ बिल्कुल सही बात। The atom does not absorb any photon. सही है। आगे चलो। 14 किसने बोला था? 14 किसने बोला था? सब मैंने। 14 नहीं। ठीक है 14 देखो। 14 हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम ए एनर्जी लेवल विद अ क्वांटम नंबर n टू अनदर क्वांटम नंबर n-1 इज n इज मच मच मोर देन 1 द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। पता है बेटा n जो है 1 से बहुत बड़ा है ना? Yes, sir. ठीक। इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n। तो कहता फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखते बच्चा, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास 1 by lambda equals to r is equal to r square r c ना r r z square 1 by m square minus 1 square minus 1 by n square है ना बेटा? Yes sir। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी f बराबर c by lambda yes sir r c z square 1 by m square minus 1 by n square। बोलो। Yes sir। Yes sir। ठीक है। अब कहता है ना हाइड्रोजन लाइक एटम ट्रांजिशन किया एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू अनदर क्वांटम नंबर n-1, n से गया n-1 है ना बेटा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। देखते बच्चा, इसको मैं लिख दूं n से 1 के लिए। बोलो n से 1 के लिए बोल सकते हैं इतना? बोलो। यस सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? अच्छा अब बोलो, अगर कहता है बेटा ये nth ऑर्बिट है और ये n-1th ऑर्बिट है लेकिन ये 1 से बहुत बड़ा है ना, इसका मतलब दिया हुआ बेटा ये एनर्जी लेवल के मुकाबले में ये एनर्जी लेवल बहुत छोटा है। यस सर। बोलो है ना, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं थी मुझे। बोलो यहां तक बात समझ में आया? यस। डायग्राम बनाया मैंने, वो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया डायग्राम क्लियर है ना? तो बोलो, तो अगर हम किसी भी एनर्जी में बोले तो क्या बोलेगा? ई एन, ई एनर्जी, nth ऑर्बिट में कितना लिखते हो? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लिखते हो ना? यस। तो ऐसे बोल सकते हैं बेटा, डी ई एन इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6
जेड स्क्वायर बाय एन क्यू इनटू टू बोलो यस सर सकते हो है ना तो इसको अगर कहें डी एन हमारा क्या होगा एच इनटू डी एफ बोल सकते हैं इसको जी सर यस सर बोल सकते हैं डीएफ फ्रीक्वेंसी का आया फोटॉन तो किसके प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन क्यू हो गया बेटा सर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी बाय 2 पाई आर नहीं लगा सकते बेटा वी बाय 2 पाई आर कब बोलोगे जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक ही सर्किल में घूम रहा हो तब ना बोलोगे इलेक्ट्रॉन सर्किल चेंज कर रहा है ना सर 21 का बी क्यों नहीं होगा सर इसका आंसर 21 सर फोर्टी तक पहुंचने दो पहले यहां तो सर आ गई बात 1 बाय n क्यूब कैसे आया सर मतलब z स्क्वायर बाय डिफरेंशिएट किया यहां dn भी होगा यहां dn भी होगा सर 1 बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की m की जगह n माइनस 1 रख दें तब और उससे सॉल्व कर दें करना पड़ेगा तेरे को फिर यस सर उससे भी आ रहा था सर फिर एप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा कि 1 बाय n माइनस 1 और n का डिफरेंस बहुत कम है इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 व्हेन अलाउड टू फॉल ऑन अ हाइड्रोजन एटम In their ground state, found to liberate electrons with kinetic energy 1.8 electron volt and 4 electron volt respectively. Find the ratio of lambda 1 upon lambda 2. कहता है बेटा ultraviolet light गिरी है lambda 1 lambda 2 का hydrogen atom पे है ना तो इसका मतलब निकला है 1.8 देखो बच्चा इसका मतलब ये हुआ कि hc by lambda 1 की जो energy है hydrogen atom से electron बाहर निकल गया इसका मतलब 13.6 तो मिला ही मिला उसके बाद में भी बच गया इसमें काइनेटिक एनर्जी 1.8 का बोलो बेटा यस है ना लेकिन जब दूसरा गिरा तो 13.6 तो मिला ही मिला और बाहर निकलने के बाद भी बच गया काइनेटिक एनर्जी बोलो यस सर डिवाइड कर लो ठीक है 17 सर 18 17 देखो 17 सर पहले 17 देखो बेटा कहता है इन अ डिस्चार्ज ट्यूब 200 में 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इतने इलेक्ट्रॉन है ना बेटा इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड इतना सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयंस बोलते बेटा अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन को देखो और सिंगली आयन सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयन को देखो दोनों में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम के डिफरेंट सेम चार्ज तो सेम ही नहीं बेटा बोलो yes, sir. और जब चार्ज हमारा सेम बेटा इसका मतलब क्या होगा बोलो बोलो कि टोटल करंट जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे n1 into e plus n2 into e बोलेंगे yes sir क्योंकि लिखा है ना 1 सेकेंड एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता है वही तो होता है करंट yes, sir. Yes, sir. हमें कॉमन ले लो तो कितना हो गया 1.6 10 पावर माइनस 19 into n1 plus n2 करो ये 3.125 plus 625 क्या होगा 9.375 into 10 to the power 18 बोलो बेटा इतना एम्पियर करंट हो गया yes, है ना sir. और वोल्टेज तुमको दिया है तो वोल्टेज into करंट पावर हो गया opposite direction में मूव कर रहे हैं ना तो माइनस होना चाहिए ना एक ही बार काउंट करना पॉजिटिव चार्ज बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाए है ना बेटा तो ऐसा मानेंगे करंट है ना और अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाए तो ऐसा मानेंगे करंट बोलो बेटा यस सर दोनों करंट क्या दिख रहा है हां ऐड हो गया आ गया ना हां सर 18 देखो बच्चा 18 कहता है कि एक एक्सरे फोटोन of wavelength lambda and frequency nu collide with a initially stationary electron ठीक है जो free है move करने के लिए और bounce कर गया है ना ठीक है तो क्या होगा देख बच्चा मान लो ये हमारा photon p है ना और ये electron
इसकी एनर्जी मान लो पहले हमारी ई थी, है ना, ये टकराया और बाउंस बैक किया, तो बाउंस क्या किया होगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन भी टकराया होगा, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो स्पीड आया होगा ना बेटा, बोल है कि नहीं, तो बोलो तो लगाओ अंदाजा कि E को और ईडेस से कंपेयर करूं तो बोलोगे ना बेटा कि ईडेस की वैल्यू इससे कम होगी। यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन के रूल के आधार पे है ना, तो फोटोन की एनर्जी कम हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी घट गया, वेवलेंथ बढ़ गया, तो कौन सा आंसर, फ्रीक्वेंसी घट गया वेवलेंथ बढ़ गया, तो डी आंसर। समझ गए सर? 21 का बी ऑप्शन। 21 सर। सर 19। 21 का बी। 19 देख बच्चा। कहता वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे, के अल्फा एक्सरे का वेवलेंथ 2 मीटर के लिए दिया हुआ है बेटा, है ना। अब कहता है आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइंग बिटवीन ए टू बी। अरे बेटा देख, कहता है पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, रूट एफ वेवलेंथ दिया ना ये, तो वेवलेंथ अगर तुम्हें ये दिया हुआ है, सॉरी देख बच्चा ऐसे बोलेगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर सी इंटू 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर। बोलो बेटा, बोलोगे ऐसा? बोलोगे? तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में क्या, 1 बाई लैम्डा का मतलब 1875 आर बाई 4 इज इक्वल टू आर सी, आर सी इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कौन सा था, ये के अल्फा था ना बेटा, 3/4 बोलो, ठीक है, इंटू जेड माइनस बी, तो जेड 1 माइनस के अल्फा है तो 1 का स्क्वायर, बोलो जेड 1 निकल जाएगा, बोलो उसी तरह से जेड 2 भी निकल जाएगा, है ना। तो चलो मान लो कहते हैं जेड 1 इक्वल टू आया 24 और मान लो जेड 2 आया 30 मान लिया मैंने, ठीक है, तो कहता है इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट लाइक करेंगे, 25, 26, 27, 28, 29 पांच आएंगे, पांच। आगे समझ में सर? जेड 125 वाला किसमें सर, उसी क्वेश्चन में जेड 125 आ रहा सर, और जेड 2 25 होगा, यस सर 25 और 30 और जेड 2 25 और 30। अरे मैं तो बोल रहा हूं कर लो भाई, माना है यस सर। 21 देखो, फॉर द स्ट्रक्चरलेस क्रिस्टल, क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरे हमारा यूज करते हैं, ठीक है। तो देख बेटा ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा उसी का है, डिविजन ग्रबर एक्सपेरिमेंट का, डिफ्रैक्शन करना होता है बेटा, और डिफ्रैक्शन तभी होता है जब स्लिट का साइज और लाइट का वेवलेंथ उसी के ऑर्डर में आए, समझा, है ना? यस सर। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है स्लिट का साइज और लाइट के वेवलेंथ का ऑर्डर सेम हो, आस पास हो, है ना। तो इसका तुम आंसर नहीं बोल सकते, इसका तुम आंसर याद कर सकते हो अभी सिर्फ। और गामा रे बोलूं तो गामा रे का तो और ज्यादा होता है एनर्जी, तो इसमें गामा रे इस्तेमाल क्यों नहीं करते, पूछ सकता है ना, कुछ ज्यादा ही होता है, समझे, नहीं होगा ना बेटा, ये वजह ये इसका सिर्फ एनर्जी मैटर नहीं करती है ना। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेव एक्सरे से ये वाला सर गामा रे के साथ कंपैरिजन क्यों किया है सर, फिर भी तो मतलब है क्योंकि एक्सरे के मुकाबले में गामा रे का पेनिट्रेटिंग पावर और ज्यादा होता है, गामा रे का पेनिट्रेटिंग पावर और ज्यादा है, समझा। एक्सरे यूज कहां होता है, किसमें, गामा रे का यूज बेटा कैंसर के इलाज करने के लिए होता है, समझा जी सर। रेडियम भी होता है कैंसर, क्या बोलोगे, कैंसर मतलब हमारे बॉडी का कोई सेल आतंकवादी हो जाए वही कैंसर हो गया। बोलो बोलो, अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल, हाँ इररेगुलर रूप से बढ़ना शुरू हो जाए कोई सेल सर, एक्सरे हमारा, अरे भाई बोलो भाई,
हाँ सर, मेरा ये डाउट है कि हम बी को 1z बराबर 50 के बाद से लेते हैं। सर बोला वन बी को 1 लेते हैं अपन z बराबर 50 के बाद से। बी तो सर हम लेते हैं 50 के बाद से। हाँ तो सर क्वेश्चन नंबर 19 में z हमारा 25 30 ऐसे कुछ आ रहा है। अपन हर जगह बी। हाँ ये मत करना बी। हाँ हाँ तेरी बात सही है बच्चा, तेरी बात सही है, लेकिन वो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करना, फिर इसमें इस्तेमाल मत करना, ठीक है? हम लोग हम सबके लिए भी वोल्ट बन लेते हैं बाबू। तो 21 का डी ऑप्शन समझाइएगा बेटा। कोरेंट सोर्सेज इन कोरेंट नहीं जानते हो क्या बच्चा? कोरेंट का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी सेम होना। तुम बताओ एक्सरे जो निकलता है बेटा वहां सबका सेम होता है फ्रिक्वेंसी क्या? अपना ग्राफ याद करो, कहते तुम कि इस लैम्डा के आगे सारा होता है लैम्डा, ये कहाँ होगा कोरेंट? नहीं हो सकता ना। चलो भाई चलो, गिवन कर्व शोस द इंटेंसिटी वेवलेंथ रेडिएशन रिलेशन ऑफ एक्सरे कमिंग आउट ऑफ टू डिफरेंट मेटल। देख बच्चा ग्राफ को देखो, कहता है दो मेटल के लिए कंपेयर करना हम लोग को है, ठीक है? डार्क कर्व रिप्रेजेंट रेडिएशन फॉर ए, डार्क वाला है ए के लिए, डार्क वाला है ए के लिए और डॉट वाला है बी के लिए, ठीक है? तो देखो लैम्डा के अल्फा ज्यादा किसका है? लैम्डा के अल्फा ए का बड़ा है ना बी से, बोलो। जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका फ्रीक्वेंसी छोटा होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी छोटा होगा उसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा, बोलो। होगा रूट एफ बराबर ए ऑफ जेड माइनस ई बोलते हो ना? यस सर। ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक छोटा किसमें है? तो ए तो गलत, बी हो सकता है सही, सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है सही। वोल्टेज चेक करो, देखो कट ऑफ वोल्टेज चेक करो, कट ऑफ हमारा ए में कम है ना बी में ज्यादा है ना, देखो। तो लैम्डा कट ऑफ, लैम्डा कट ऑफ ए में छोटा है लैम्डा कट ऑफ बी से, है ना बेटा? जिसका कट ऑफ छोटा होगा उसका वोल्टेज बड़ा होगा, इसका मतलब वी ए बड़ा होगा वी बी से। समझ गए? समझ गए सर। आगे बोलो। 28 27 26 27 26 27। देखो 26 किसने कहा? 27 देखो, फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 230 नैनोमीटर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम इट सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 180 नैनोमीटर इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है टंगस्टन का इतना। 24 पहले इसको देख ले बच्चा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, इतना इतना सिंपल है बच्चा ये। के मैक्स बराबर क्या लिखेगा रे? ई माइनस डब्ल्यू, ई हो गया एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ माइनस गलती बोल दिया, एच सी बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा रे, तो 12400 डिवाइड बाई ये हो जाएगा कितने 180 नैनोमीटर, 1800 हो गया बेटा ये। सर ए भी तो होना चाहिए ना तब, 12400 बाई एक मिनट रुको बेटा 230 2300, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू हमारा 0.15 आया ना बेटा, 1.5 आया। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, हाँ बेटा सही बोला तुम, तब तो बी ये दोनों होना चाहिए, सही बात है, क्योंकि वो तो मैक्सिमम ना है बेटा, थोड़ी है मैक्सिमम एनर्जी। सही बात है बेटा, ये भी दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है? 1.5 या 1.5 से कम। तो अभी देखो 23 लैम्डा मिनिमम इज द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड इन एक्सरे ट्यूब, कहता है एक्सरे ट्यूब में जो मिनिमम वेवलेंथ है हमारा वो क्या बच्चे के? हाँ ठीक है, और लैम्डा के अल्फा जो हमारा है बेटा वेवलेंथ ऑफ के अल्फा है, बोल बेटा। जब ग्राफ तुम बनाए थे बेटा तो कैसे ग्राफ बनाए थे? ग्राफ जब बनाए थे कैसे बनाए थे? ऐसे बनाए थे बेटा, याद करो तो। यस बनाए थे ना ऐसे। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? ये हुआ लैम्डा मिनिमम और लैम्डा के अल्फा, तो क्या बोलेगा? लैम्डा मिनिमम जो हमारा है
ये छोटा होता है लैम्डा के अल्फा से, बोलो। यस सर। होता है ना, अब कहता है एज द ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज इंक्रीज, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो देखो बेटा के अल्फा का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा बेटा, बोलो। लेकिन वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, ये भागेगा पीछे की तरफ, कम होगा। यस सर। और कम होगा ना, तो पीछे भागेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा ना। यस सर। समझ गए सर, इक्वेशन से भी समझ सकते हैं ना। हां, बस खुश। 24 देखो, एक गॉडिंग टू मोस्टेस लॉ, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन के अल्फा और के बीटा, दोनों के ए और बी ए का रेशियो पूछा है दोनों में, तो ए का फार्मूला क्या था, स्क्वायर रूट आरसी 1 / एम स्क्वायर माइनस 1 / एन स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना, बन जाए। एक के बीटा और के अल्फा का रेशियो निकाल लो सर, अब हो जाए। आगे चलो सर, अब होमवर्क दे दो। 26 अल्फा पार्टिकल विद द काइनेटिक एनर्जी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन विद हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट मूविंग टुवर्ड्स इट विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8.4 द काइनेटिक एनर्जी, कैसा कोलिजन होगा, तो देखो बच्चा इसमें हमारा जिस एनर्जी टकराया है, सॉल्यूशन जिस एनर्जी से टकराया है वो टोटल एनर्जी को ऐड करो, क्या होगा बोलो, टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम में, 10.1 प्लस 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बेटा, ठीक है। अब बोलो सवाल का, अल्फा पार्टिकल इतनी टकराया हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट से मूविंग टुवर्ड्स इट विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8.4, गौर करने के छोड़ ऐसे मत देखो, सब ध्यान देना सब लोग बच्चा, सवाल देखना तो बोलो तो बेटा, अब कहाँ गया, इतना पीछे कैसे आ गया यार, कौन सवाल था, 24 था ना, 26 देखो बच्चा, ध्यान देने की बात यहाँ पे है बेटा कि बोलो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ हीलियम में कितने का रेशियो है, 1:4, ठीक है। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा पी स्क्वायर बाई 2m होता है ना सर। यस सर। अब देखो सवाल में देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम कितना दिया रेशियो, है ना बेटा, 4 का रेशियो देखो, 1/4 है ना, 4 का रेशियो, यस सर 4 है। इसका मतलब ये है बेटा काइनेटिक एनर्जी और मास का रेशियो इनवर्स रेशियो में दिख रहा है तुमको, इसका मतलब दोनों का मोमेंटम सेम ना है बेटा, बोल। यस समझ में, कि ये अगर हमारा हीलियम है और ये अगर हमारा हाइड्रोजन है तो दोनों जा रहा है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, बोलो, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम है तो सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया, जीरो ना बेटा, बोलो। yes, sir. सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो गया, मोमेंटम कंजर्व करोगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करोगे तो क्या होगा, भी जीरो। इसका मतलब बच्चा इस पूरी काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस हो सकती है, और कितनी हो सकती है जोड़ दो तो 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है एनर्जी लॉस। अब बताओ 10.5 या 10.5 से कम कोई एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है कि नहीं, यस सर 10.2 हाइड्रोजन कर सकता है ना, हाइड्रोजन कर सकता है, मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक, गलत है बेटा, मस्ट भी गलत है, मे भी सही होता, मे बी परफेक्टली इलास्टिक इसका हो सकता था अगर 10.5 पूरा पूरा अब्सॉर्ब कर लेता तो, नहीं करता ना पूरा अब्सॉर्ब बेटा, बोलो, लेकिन 10.2 करता है, ठीक है सर, होमवर्क ग्रुप में डाल देना सर, 28 देखो, इन एक्सरे ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू स्ट्राइक द टारगेट with a velocity that is 10% of the velocity of light, ठीक है, the applied voltage क्या होना चाहिए, कहता बेटा x-ray tube में electron को expect किया जाता है कि वो target को टकराएगा 10% of the velocity of light से,
तो अप्लाइड वोल्टेज क्या ठीक इसका मतलब देखना बेटा अगर उसकी वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी का 10% है इसका मतलब 3×10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है बेटा है ना इतनी से स्ट्राइक किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ एम बी स्क्वायर बोलो शुड बी इक्वल टू कितना तो बोलेंगे ई इनटू वी तो बोलो बेटा वी निकल गया यस सर समझ गए 29 में 4 से 2 नहीं कर सकते क्या 29 में इन एन एटम एंड लिख दिया एन होगा यहां पे ना बेटा इन एंड एटम कर दिया तो एन होगा ना इन एन एटम यस सर एन होगा हां एन होगा सर इन एन एटम सिंगल एटम बेटा इसका मतलब एक ही एटम है एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ ऑर्बिट में है ना जंप बैक टू एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम इज फॉर्मड कहां जंप किया ब्राउन तो लिखा ब्राउन व्हेन यू जंप बैक टू द एनर्जी लेवल्स ए स्पेक्ट्रम इज फॉर्मड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन दिस स्पेक्ट्रम वुड बी क्या लिखा है सिंगल एटम लिखा ना सिंगल एटम यस सर यस सर ये तो सैंपल नहीं है ना बेटा एक ही एटम ना है तो फोर्थ ऑर्बिट से फर्थ में आने में कितने निकल सकते हैं या तो एक निकलेगा बोलो या तो एक या तो दो या फिर तीन अधिक से अधिक नंबर ऑफ फोटॉन तीन हो सकती है ना एक और दो ऑप्शन में है नहीं इसलिए थ्री ऑप्शन यस सर समझ गया क्वेश्चन नंबर 27 में इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस लिखा हुआ है तो उसका स्पीड तो 1.5 होगा मतलब एनर्जी The energy of electrons ejected from its surface. नहीं बच्चा क्यों? Surface eject होगा तो kinetic energy maximum होना चाहिए. क्यों surface eject होने अच्छा नहीं नहीं ऐसा क्यों बात नहीं बेटा. Eject surface से निकलेगा surface से ही ना. कैसे? ऐसे मत सोचो surface वाले जो होते हैं बेटा electron है ना इन सब की energy भी same नहीं होती. ऐसा नहीं होता है. इसका आंसर ए भी होना चाहिए दोनों होना चाहिए. चलते कुछ आगे का होमवर्क कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 ठीक है और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 कर लोगे ना चलो नो का पार्ट 2 2 का पार्ट 3 पार्ट 4 दे दो सर दो दिन दो से दो दिन सर दो दिन कर दो इतना नहीं हो पाएगा सर एक डाउट था दो दिन बाद पार्ट 4 छोड़ दो पार्ट 4 दे दो यस सर ठीक है हम बोलो क्या बोल रहे हो तुम पूछो पूछो सर ये आपने ईवी कैसे किया इसमें काइनेटिक एनर्जी को ईवी सर जो आप यस सर बेटा अगर कोई चार्ज क्यू वोल्टेज वी से एक्सीलरेट करे तो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप होता है बच्चा ईवी है ना यस सर या को इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्डन का फार्मूला होता है ये समझे बच्चे क्यू वी तो जो वर्डन होगा उतने ही तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ओके सर सही बात सही है ठीक है सर जो टॉपिक 26 करवाया ये पीडीएफ है सर जो टॉपिक 26 कराया मुझे वो डिसाइड करना नहीं आ रहा कि वो इनइलास्टिक इलास्टिक कैसे होगा ये वाले में सर 21 सर अच्छा बच्चा ये बात समझ में आ गई तुमको कि 26 नंबर में दोनों का मोमेंटम सेम है यस सर ये समझ में आ गया इसका मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है जीरो जीरो यस तो फाइनली भी कितना होना चाहिए जीरो जीरो अगर हम बोले बेटा मैक्सिमम लॉस अगर मैं बोलूं मैक्सिमम लॉस तो मैक्सिमम लॉस मतलब कैसा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है दोनों चिपक जाता है जब दोनों चिपक गया बेटा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए भी जीरो करना पड़ेगा ना यस सर इसका मतलब अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो 10.5 का एनर्जी लॉस होगा पूरा होगा ठीक है अगर 10.5 वाकई में हो गया तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक बोलो कोलिजन कौन सा परफेक्टली इनइलास्टिक अगर पूरा 10.5 अब्सॉर्ब हो गया तो अगर 10.5 से कुछ कम हुआ तो सिंपल इनइलास्टिक बोलेंगे
यस सर। और अगर बिल्कुल लॉस नहीं हुआ तो इलास्टिक बोलेंगे। अच्छा ओके सर, समझ में आया। तो हम कहेंगे 10.5 की एनर्जी कोई अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, तो 10.2 अब्सॉर्ब कर सकता है ना, बोलो। यस सर। वी हो सकता है ना फिर तो बेटा, तो हो सकता है। का मतलब तभी होगा जब 10.5 पूरा अब्सॉर्ब हो जाएगा। बताओ 10.5 को अब्सॉर्ब कर पाएगा? नो सर, नो सर, नो सर। फिर तो नहीं हो सकता ना सर। 29 में स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी है तो 6 बतानी चाहिए ना हमको। लेकिन बेटा एक एटम लिखा है, एक एटम देखो सवाल में, सैंपल नहीं है, एक एटम, सिंगल एटम है। n into n minus 1 by 2 तभी कहते हैं बेटा जब क्या हो, सैंपल हो, बहुत सारे एटम हो। अच्छा अच्छा ठीक है सर। एक इस क्वेश्चन में सर एक फोटोन के चार अरेंजमेंट बनेंगे ना, तो उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस तो 6 होगी ना सर, वही डाउट है। यस सर 6 होगी। मुझे बताओ एक एटम की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, बताओ। Yes, sir. है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन एक ही है तो तीन रास्तों में से एक नंबर रास्ता, दो नंबर रास्ता, तीन नंबर रास्ता, इन तीनों रास्तों में से कोई एक ही ना कर सकता है इख्तियार, बताओ। तीनों तो नहीं कर सकता ना बेटा, बताओ। अगर n की वैल्यू होती तो आंसर होता ना वो। हाँ, अगर सैंपल होता, यहाँ लिखा हुआ ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका आंसर डी होता। ये जो आपने थर्ड अरेंजमेंट बताया उसमें भी तो तीन इलेक्ट्रॉन, तीन फोटोन चाहिए होंगे। तीन इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। जब चार से तीन में आया तो एक फोटोन निकला, फिर वही इलेक्ट्रॉन फिर तीन से दो आया तो फिर निकला फोटोन एक, फिर वही इलेक्ट्रॉन दो से एक पे आया तो फिर निकला फोटोन एक। सर एक और अरेंजमेंट बन सकता था ना, 4 से 3 और 3 से 1, वो भी तो हो सकता है। उसमें कितने फोटोन निकलेंगे? दो। मैं भी दो। मैं समझ में आ गया। हाँ दो ना। हाँ दो ना बच्चा, तो वही तो पूछ रहा है, या तो एक हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तीन हो सकता है, बोलो। कैसा भी हो सकता है, बुला बेटा। अलग अलग टाइप की तो वो तो 6 होगा। हाँ क्या समझाओ तुमको बेटा। एक बार आप फोर्थ भी बनाइए, एक बार फोर्थ भी बना दीजिए। अरे एक ही एटम है, एक ही तरह के फोर्थ से टाइम मिलेगा, छोड़ देता है बेसिकली। ये है, ये बोल रहे हो तुम, बोलो। यस सर। हम्म, यही ना। तुम इन सबको काउंट क्यों करना चाहती है बेटा? 1 2 3 4 5 6 सब क्यों काउंट करना चाहती है? ये काउंट नहीं करना हमको है, ये सारे नहीं है पॉसिबिलिटीज। एक ही आइटम तुम्हारे पास है, तुम खुद सोचो। तुम एक अकेले आदमी हो, चार मंजिल के मकान में रहती हो, तुम चौथे मंजिल पे अगर हो, है ना, तो चौथे मंजिल पे अगर ग्राउंड फ्लोर पे आएगी तो ऊपर की तरफ से नीचे मूवमेंट एक ही बार ना होगा। हाँ, हाँ। तो 6 कहने का मतलब क्या हो गया? देखो 6 कहने का मतलब हुआ कि ये वाला भी काउंट कर लिए और ये वाला भी काउंट कर लिए, बोल लो। ये ना हुआ 6, तो 4 से 3 और 4 से 2 कैसे हो जाएगा? दोनों नहीं हो सकता ना, क्योंकि एटम सिंगल है। ठीक है, चलो बच्चा बाय। पीडीएफ शेयर कर देना। बच्चों बाय बाय सर।